एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, इसको छोड़ देते हैं, सॉरी इसका डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रेशन, अब अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ना इसका, तो होने को तो हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। मतलब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम चाहो तो कर सकते हो ट्राई। इसमें एक्स की जगह तुम साइन थीटा पुट करके ट्राई कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं अब तुम्हें एक मेथड और बताऊंगा इसका, कि इनवर्स वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब स्पेशली सॉरी साइन और कोस, टेन वाले में जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा। ध्यान से देखना, अब x इक्वल टू कितना आ गया साइन थीटा, मैं धीरे धीरे करा रहा हूं बेटा इसलिए, और dx आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमने x की जगह क्या लिया था, क्या आ गया हमारा साइन थीटा, साइन इनवर्स x की जगह थीटा। तो इसकी जगह थीटा लिख देते हैं, x की जगह साइन थीटा लिख देते हैं, डी एक्स की जगह कोस थीटा। तो इस तरह से हमने पहले इनवर्स वाला झंझट जो है खत्म कर दिया। अब इसको अगर हम टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा। अब करेंगे हम इसमें बाय पार्ट्स, तो ये अलजेब्रिक और इसको ट्रिग्नोमेट्री, वन बाय टू को तो बाहर लिख दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू। फिर माइनस फॉर्मूले में होता है थीटा का डेरिवेटिव वन, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू। टू थीटा कितना होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, और टू साइन थीटा कोस थीटा की जगह हम लिख देते हैं अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे साइन टू थीटा को मैंने लिख दिया टू साइन थीटा, और कोस थीटा की जगह अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप क्या करेंगे, जहां पे भी साइन है वहां पे हम वैल्यू रख देंगे, ये टू से टू तो कट ही गया, साइन थीटा की जगह हमें एक्स रखना है। तो देखो माइनस, ये माइनस अंदर इंटू कर दो और साइन थीटा की जगह एक्स रखेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा की जगह एक्स और इसकी जगह वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार अच्छे से देख लो इसको और बताओ मेरे को, जब इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, स्पेशली साइन इनवर्स या कोस इनवर्स, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में अपॉन में अंडर रूट आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स है या कोस इनवर्स है, उसको थीटा मान लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और
उसका डेरिवेटिव करके सारे क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर देंगे, फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे, पूरा सॉल्व करके एंड में आके जो हमारी एक्स की वैल्यू है उसके अंदर तुम्हें उसको पुट करना पड़ेगा।